ए बी एंड डी मैट्रिक्स दिया गया है, वेरीफाई दैट। पहला पार्ट हमने हल कर लिया है, अब दूसरा पार्ट हमने हल करना है इसका। लेफ्ट हैंड साइड सेकंड पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड डी ए इनवर्स। तो सबसे पहले हमने इसका मल्टीप्लाई लेना है ब्रैकेट के अंदर वाला, डी ए इनवर्स, डी सॉरी डी ए, डी मैट्रिक्स ये है, ए मैट्रिक्स ये है, इन दोनों को हमने क्या करना है, जरब करना है। 3 4 12, ये पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। 3 4 12, 1 1 0 -1, 2 4 8, 2 1 0 2। अब 3 0 0, 1 2 0 2, 2 0 0, 2 2 0 4। अब इसमें क्या करना है, ये हमने इसके ब्रैकेट ओपन करने हैं। 12 -1 0 +2, ये 2 हो गया, 0 + 4 4 हो गया, -8 एंड -2, 12 में से एक निकाल दिया, 11 बच गया, 2 वैसे ही, ये 4 भी वैसे, -8 -2, ये -10 हो गया। अब क्या हमारे पास फार्मूला क्या है, डी ए इनवर्स इक्वल टू अब ज्वाइंट डी ए अपॉन या ओवर डी ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमने ये निकालना है डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो आ जाए, जीरो नहीं आता, नॉन जीरो आ जाए मतलब क्या, नंबर भी आ जाए, तो ये प्रोसीजर, ये हमने मेथड निकालना है, तरीका करना है, अगर नहीं आता तो फिर हम इसको ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे इसको। तो सबसे पहले हमने लिया इसका डिटर्मिनेंट, डी ए डिटर्मिनेंट, हमने डी ए ये है जो निकालना है मल्टीप्लाई का, नंबर 11 2 10 एंड 4, ये साइन हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट का है। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले को चौथे के साथ, 11 4 44 -10 2 -20, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, 44 + 20 दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 64 हो गया। अब लेना हमने एडजॉइंट किसका, इस ए डी ए का, किसका, तो डी ए का लिया एडजॉइंट। तो एडजॉइंट में क्या होता है, पहले और चौथे की जगह चेंज, पहला जगह चेंज, फिर दूसरे दूसरे तीसरे का साइन चेंज, दूसरे और तीसरे का साइन चेंज, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम एक्स, ये फार्मूला यूज करना है, फ्रॉम एक्स। अब हमने क्या किया, डी ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट जगह पे ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, ओवर डिटरमिनेंट हमारे पास ये आ गया। अब इस 64 को चारों पे डिवाइड करना है, 4 ओवर 64, 2 ओवर 64, 10 ओवर 64, 11 ओवर 64, तो डी ए इनवर्स इक्वल ये आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, अगर डिवाइड होता हो जाएगा, नहीं तो फिर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। 4 ओवर 16, 4 ओवर 64 डिवाइड किया, 1 ओवर 16, 16 4 64, 1 ओवर 32, 5 5 2 10, 32 2 64, 11 ओवर 64, ये हमारे पास है वैसे का वैसे ही। अब हम इसका राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ए इनवर्स डी इनवर्स, यानी ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमारे पास ए इनवर्स एंड डी इनवर्स, ये हमारे पास दो इनवर्स हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, ए लिया मैट्रिक्स 4 0 -1 2। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, इसका डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट इसका जीरो आता है तो फिर इनवर्स पॉसिबल नहीं है, हल नहीं होगा। अगर कोई नंबर आता है, 1 है, पर चाहे नेगेटिव में आ जाए तो ये पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, इसका लिया डिटर्मिनेंट 4 0 -1 2। अब किया क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 4 को 2 से, 4 2 8, 1 0 0, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, 8 हो गया। अब लिया इसका हमने एडजॉइंट, एडजॉइंट में क्या होता है, इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों का साइन चेंज, 2 4 0 नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो फार्मूला क्या था, ए इनवर्स इक्वल
एडजॉइंट की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, नीचे क्या हमारे पास डिटरमिनेंट, तो ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब इस तरह हमारे पास क्या है डी, नाउ हमने डी लेना है 3, 1, -2 एंड 2। डी इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट डी ओवर डी डिटरमिनेंट। तो डी डिटरमिनेंट 3, 2s are 6 माइनस फार्मूले का आना है यार, एंड 2, 1s are -2 6+2 -2 6+2 8 हो गया। तो नाउ अब इसके बाद हमारे पास क्या है एडजॉइंट है, अब हमने लिया इसका एडजॉइंट, इन दोनों की जगह चेंज 2, 3 चेंज हो गया, इन दोनों का साइन चेंज, नेगेटिव था पॉजिटिव नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब डी इनवर्स क्या है, अब डी इनवर्स हमारे पास ये फार्मूला है, डी इनवर्स एडजॉइंट ओवर डिटरमिनेंट। तो अब हमने इसके वैल्यू पुट कर दी है, अब हमने लेनी है राइट हैंड साइड ए इनवर्स डी इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये थी ए इनवर्स, डी इनवर्स क्या था ये था, दोनों को हमने इसका मतलब क्या ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब ये 8 है, ये 8 है, ये 1/8 8 8 64 हमने साइड पे कर दिया। अच्छा अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, 2 2s are 4 0 2s are 0 2 1s are 2 4 2s are 8, पहली रो पहला कॉलम दूसरी रो पहला कॉलम दोनों को ऐड किया, फिर 2 1s are -2 0 3s are 0 1 1s are -1 3 4s are 12। चले अब क्या किया, अब हमको 4 0 4 हो गया, 2+0 2 हो गया, 2+8 10 10 हो गया, 12 में से एक निकाल दिया ये 11 हो गया। अब ये 64 क्या है, ये सब चारों पे डिवाइड होना है, 4/64 10/64 2/64 and 11/64। अब 2 16 4 64 ये हमारे पास क्या आ गया, 1/16 आ गया, ये हमारे पास क्या है 2/64 है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1/32। 10/64 5 2s are 10 32 2s are 64 32 2s are 64 ये हो गया, और ये 11/64 वैसे का वैसे। अब ये हमारे पास बी ए इनवर्स वो था, और ये हमने ए इनवर्स डी इनवर्स दोनों का आंसर हमारा क्या हो गया सेम आ गया, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, इक्वेशन नंबर 6 भी हमारा मुकम्मल हो गया।